नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व आने वाला है और इसे ही लेकर के अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा घाट पहुंचे हैं और बढ़े जलस्तर का वो निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया था और इसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी इसका निरीक्षण कर चुके थे, लेकिन उस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बन रही थी तो उस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था, लेकिन आज वो छठ पर्व को लेकर के निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्योंकि गंगा घाट पे बिहार के अक्सर ऐसे लोग हैं जो वहां पर छठ पर्व मनाते हैं, लेकिन बढ़े जलस्तर की वजह से इसमें दिक्कतें आ सकती हैं और इसे ही लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा घाट पहुंचे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे हैं और कई बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। सबसे पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ कई बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। जब वहां वो पहुंचे उसके बाद उन्होंने बैठक भी की है उन लोगों के साथ कि आगे की किस प्रकार की नीति होगी और कैसे जलस्तर अगर बढ़ा है तो उसे कम किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो छठ पर्व होने वाले हैं उसमें आम लोगों को, पटना वासियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद अपने बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके, उप मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके इस बातों पर डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां बड़े अधिकारियों के साथ बैठे हैं और बैठ करके जो नीति आगे की होगी, किस प्रकार से काम किया जाएगा, क्योंकि छठ पर्व आने वाले हैं और बिहार का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से छठ पर्व को मनाया जाता है और इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियाँ भी की जाती हैं। आपको बताएं कि लोग इस पर्व के लिए काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं और गंगा घाट एक ऐसी घाट है जहाँ पर अक्सर बिहार के जो लोग हैं वहाँ छठ मनाने के लिए पहुँचते हैं और इस बार इन सब चीजों को लेकर के दिक्कतें ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री खुद कदम उठाए हैं और वहां पर पहुंचे हैं आज निरीक्षण करने के लिए कि जल स्तर क्या है गंगा का, अगर ज्यादा है तो इसे कम किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में जो छठ पर्व होने वाले हैं उसमें आमतौर पर पटना वासियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। साथ साथ कोरोना के भी कई सारे प्रोटोकॉल्स होंगे जिसका इस बार लोगों को पालन करना होगा। हालांकि पिछली बार भी कोरोना की वजह से कई जगहों पर आप कह सकते हैं छठ नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य है, कोरोना के उतने केसेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और इस बार भी हो सकता है कि कुछ नियम कानून लागू किया जाए और इन सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा घाट पहुँचे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचते हैं तो बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।